हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फर्स्ट। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे, इसका चैप्टर नंबर 18 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट वीडियो भी आप देख चुके हैं जिसका नेम था सेफ्टी रूल्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेफ्टी एट होम, यानी कि सेफ्टी घर पर कैसे रखनी है। हमें सेफ्टी के रूल्स पढ़ रहे थे, उसमें ये भी बारी तो आने ही वाली है। वी शुड फॉलो, ये आपको ध्यान से सुनना है बिकॉज अभी आप सब घर पर ही हैं तो आपको ये रूल्स तो मोस्टली पता होने चाहिए। वी शुड फॉलो सम रूल्स और टू बी सेफ एट होम, यानी हमें घर पे सेफ रहने के लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द बेड, हमें बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डू नॉट जंप ऑन द बेड, यानी कि बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट प्ले विथ फायर, यानी फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, यानी आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, फायर से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, डू नॉट टच ब्लेड्स एंड नाइव्स, हमें ब्लेड्स को नाइव्स को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उनमें शार्पनेस होती है और वो हमें हार्म कर सकती हैं। डू नॉट पुट योर हैंड इन एन ओपन सॉकेट, यानी ओपन सॉकेट जो होता है लाइट का बोर्ड, उसमें जो प्लग होता है, उसका सॉकेट जो होता है, उसको टच नहीं करना चाहिए। जो ओपन सॉकेट हो या ओपन वायर हो उनको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इफ़ यू गेट हर्ट टेल योर पेरेंट्स, अगर आपको चोट लगती है तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ओके, 5 थिंग इज दैट यू शुड फॉलो एट योर होम, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स। नंबर 1, डू नॉट जंप ऑन द बेड, बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच ब्लेड्स एंड नाइव्स, ब्लेड्स एंड नाइव्स को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड इन एन ओपन सॉकेट, ओपन सॉकेट में या फिर किसी वायर को टच नहीं करना चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट टेल योर पेरेंट्स, अगर आपको चोट लगे तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ओके, अगला वीडियो होगा हमारा सेफ्टी एट स्कूल। अभी देखिए आपका आज का होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट होमवर्क मैंने आपको दिया था न्यू वर्ड्स, आप उसी के जस्ट नीचे अगला ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, हमें रोड को क्रॉस कहाँ पे करना चाहिए। तो आंसर इज वी क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओके, हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है, डेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपना काम टाइम पर कम्प्लीट करना है। थैंक यू।